हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एंड आज का टॉपिक यहां पे देख सकते हैं, भारत में एफडीआई का निवेश में गिरावट देखने को मिलती है, क्या अब भारत में भरोसा कम हो रही है क्या। बिल्कुल, आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले, चर्चा ये भी करने वाले कि एफडीआई होता है क्या पे, इनके अलावा देखेंगे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई है पे और किस फील्ड में एफडीआई किया गया पे, और कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा भारत में निवेश करता है, और ये निवेश कम होने का रीजन भी हम आप लोग के आगे में चर्चा करने वाले। सो एक एक करके काफी कुछ देखने वाले। मैं हूं रितेश सिंह, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम एफडीआई के बारे में समझ लेंगे मैप से। ये है गाइस अपना प्यारा सा भारत। भारत में देखते हैं गाइस, जैसे कि रशिया और रशिया के जो काफी बड़े बिजनेसमैन वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीन के बिजनेसमैन आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूएसए के इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसमैन है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट, मतलब काफी सारे जो कंट्री यूरोप की कंट्री काफी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा हुआ करता, आगरा के आगे काफी कुछ देखेंगे, थोड़ा सही है लिखे यहाँ पे। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट में काफी गिरावट देखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट करने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है? इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़ता है यहाँ पे, और साथ में काफी सारे लोग का रोजगार भी लगता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया के लिए ये चीज होता है, और साथ में इस कंट्री को क्या बेनिफिट मिलता है? तो मान लीजिए किसी देश में जाके इन्वेस्टमेंट किया तो कोई लोग तो जरूर होगा, उनको इनकम होती है यहाँ पे भाई, कुछ इंडिया के लोग को रोजगार लेगा, कुछ भारत सरकार कमाया, कुछ रूस की जो कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट किया वो कमाया यहाँ पे, तो इनको हम एफडीआई बोलते हैं। इसी एफडीआई में इस बार गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। सो थोड़ा आगे देखते हैं एंड काफी कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना गिरावट देखने को मिली है, तो 43% की गिरावट देखने को मिली है इस साल यहाँ पे। हालांकि अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा किसने जारी किया था? UNCTAD के द्वारा ये जारी किया गया था। हालांकि इस बार रैंक 15वां है यहाँ पे एफडीआई के मामले में। अगर इनका फुल फॉर्म देखने की कोशिश करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कुल इनका फुल फॉर्म है, और ये गाइस हर साल रैंक जारी करता है, मतलब ये रैंक जारी करता है एक साल बैक का रैंक जारी करता है। जैसे कि इस साल 2024 है ना, तो ये 2023 का रैंक जारी करेंगे। अच्छा, 2023 में भारत का क्या रैंक है गाइस? तो 2023 में भारत का रैंक है ना 15वां है, लेकिन इससे पहले क्या रैंक थी? तो 8वां रैंक हुआ करती थी यहाँ पे। अच्छा, 15वां रैंक है, लेकिन इस बार कितना इन्वेस्टमेंट आया? तो 28 बिलियन ही एफडीआई आए हैं इस बार, मतलब 2023 में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में केवल 28 बिलियन देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा अगर हम बात करें पिछले साल कितना आई थी, तो 48 बिलियन इन्वेस्टमेंट आए, मतलब गिरावट देखने को मिली है। कितना परसेंट गिरावट देखने को मिली है? तो 46% गिरावट देखने को मिली, और बहुत ही दुख होता है यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जगह आगे हम काफी कुछ और भी देखने वाले, लास्ट 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन ये दुख की बात इसलिए हो जाती है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो काफी सारे लोग को और भी रोजगार लग सकता था, काफी सारे भारत में पैसा आ जाता, और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ और भी स्पीड से बढ़ता है। खैर, थोड़ा और इस चीज को डीपली समझने की कोशिश करें। रैंक है 2023 का यहाँ पे, यूएस का रैंक कौन सा गेस 1 है, पिछले साल भी पहला रैंक था, और कितना इन्वेस्टमेंट आया था 2022 में? तो $332 बिलियन इन्वेस्टमेंट यूएस में आया है एफडीआई, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट किया है। हम ये भी देखने वाले हैं कि भारत में किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आगे देखिए 2023 में कितना इन्वेस्टमेंट किया, $331 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। चाइना पहले दूसरा स्थान पे था, इस बार भी दूसरे स्थान पे देखने को मिलता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिला, पहले 189 था यहाँ पे, और इस बार $163 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो गया पे। और सिंगापुर तीसरे स्थान पे पिछले बार भी था, और इस बार भी तीसरे स्थान पे। हांगकांग जो कि गैस चाइना के पार्ट रहते थे, पिछले बार भी चौथे स्थान पे था, और इस बार भी। हालांकि ब्राजील अगर हम बात करने वाले, कनाडा बात करने वाले, ये सब भारत से भी अच्छा रैंक पे यहाँ पे, छठे रैंक पे है, और इस बार 5वें रैंक पे चला गया। इन लोगों का इंप्रूव हुआ, इन लोगों के देश में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन भारत में इन्वेस्टमेंट आने की जगह घट ही गए यहाँ पे। कनाडा देखिए 9वें स्थान पे था, लेकिन रैंक कितना, इस बार 6वें रैंक पे है। फ्रांस पिछले बार 5वें स्थान पे था, खाली फ्रांस की स्थिति थोड़ा सा 7वें स्थान पे चला गया, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम आया है। इनके अलावा अपना प्यारा सा भारत देखिए, पिछले बार 8वें स्थान पे था, और इस बार 15वें स्थान पे चला गया। पिछले बार कितना इन्वेस्टमेंट आया था 2022 में? तो $49 बिलियन कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। साल 2023 में बात करें, $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे देश का रैंक जारी किया गया। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि भारत का लास्ट 10 साल में कितना कितना इन्वेस्टमेंट आया है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं साल 2013 में देखें तो इन्वेस्टमेंट कितना आया था, लगभग $28.19 बिलियन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। इसी तरह बढ़ता ही गया, 28.34 देखने को मिलती, फिर 44 देखने को मिलती, फिर 44 भी रहती 2016 में, और इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं पे। हालांकि 2017 में देख सकते हैं फिर बढ़ता ही रहा, थोड़ा सा यहाँ पे घटावट देखने को मिली है, फिर यहाँ पे फिर बढ़ गए, और यहाँ पे देखिए 50 हो गया था। और 2021 में तो गैस यहाँ पे बात, सॉरी 2020 से बात करें, 64 बिलियन यहाँ पे बात करने वाली इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी यहाँ पे, और भारत के लिए काफी खुशी की बात होती है कि 64 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एफडीआई आया था, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग इन्वेस्टमेंट किया था, इंडिया पे भरोसा किया था कि चलो हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से इंडिया के
लोग भी कमाएगा और हम भी कमा के लाते हैं। लेकिन 2021 में देखिए 44.73 बिलियन देखने को मिलती है, 2022 में 49 देखने को मिलती है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए गाइस 2023 में देखिए तो केवल 28.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब भरोसा कम होते जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, भरोसा कम होने के कई सारे रीजन होते हैं यहाँ पे, जैसे काफी सारे जो देश है ना अपना जो पॉलिसी बनाते हैं कि बाहर की कंट्री हम पे आके इन्वेस्टमेंट करें, तो पॉलिसी एक सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब जैसे कि हम किसी कंट्री में जाएं, हमें हमारे साथ व्यवहार अच्छा करें, हमें हर वो फैसिलिटी दें, थोड़ा सा हमें स्वागत अच्छा से करें, हर वो चीज अगर मिल जाए ना तो लोग इन्वेस्टमेंट मतलब जहां ज्यादा इज्जत मिलेगा लोग आज के डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और उन्हें एक भरोसा होना चाहिए। तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो कंट्री है उनको थोड़ा सा इंडिया पे भरोसा कम होते जा रहा है, कई तरीके के छवि कभी अप और डाउन होता रहता है जिसके कारण से लोग का भरोसा कम होता है तो किसी अदर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर पाता है। लेकिन आप भारत सरकार मुझे उम्मीद है कि फिर इस पे काम करेंगे और फिर देखेंगे आने वाला जो साल 2024 करेंगे वहां पे एफडीआई शायद हो सकता है इंप्रूवमेंट, देखें वो तो हम अपडेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन थोड़ा और यहां पे देखने वाले हैं कि किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आया है यहां पे और किस देश ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहां पे अगर हम बात करने वाले सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर जो एक होता है कि जैसे कि ये एक सर्विस सेक्टर जो आप देख रहे हैं एक सर्विस सेक्टर हो गया यहां पे, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, नॉन बैंकिंग में यहां पे बिजनेस हो, इनके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस सब फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलती है यहां पे। हालांकि सबसे कौन सा ऐसा देश है जो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो मॉरिशस ने 26% जितना भी एफडीआई था उनका 26% केवल मॉरिशस ने इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया था, फिर सिंगापुर करता है, फिर यूएसए करता है, फिर नीदरलैंड, इनके अलावा भी जापान, इनके अलावा भी काफी सारा कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि देखिए इंडिया के किस राज्य में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, तो महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे तो 29% इन्वेस्टमेंट सबसे मतलब टॉप पहले स्थान में था, भारत मतलब जो विदेश से लोग आए थे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के, इंडिया में भी किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में थे। फिर इसके बाद देखते हैं कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, इनके अलावा और सब राज्य आप मान सकते हैं। तो कुछ ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग कमाने के बाद क्या होता है कि अपना देश पैसा ले जाते हैं। तो ये देखिए गाइस भारत से ना पिछले बार अगर हम बात करने वाले तो इसमें स्थान पे थे, लेकिन इस साल बात करने वाले भारत 20वें स्थान पे, जो कि गाइस सही नहीं माना जाता है। आप सही क्यों नहीं माना जाता है, तो पिछले बार हम बात करें 13 बिलियन लोग है ना, 13 बिलियन डॉलर कमा के इंडिया से विदेश में इन्वेस्टमेंट किए या इंडियन लोग विदेश में जाकर इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं 15 बिलियन, मतलब ज्यादा ही पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, लोग को इंडिया में थोड़ा भरोसा कम हो रहा है और विदेश कंट्री में ज्यादा भरोसा हो रहा है। तो कुछ ये थी गाइस, आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, एंड आगे कोई और भी डाउट है तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए क्या लेते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।